हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मी गार्गी और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। टीवी इंडस्ट्री की चहेती बहू और जानी मानी डेली सोप एक्ट्रेस रुबीना दिलेक अपनी प्रेगनेंसी के चलते काफी चर्चा में बनी हुई है। जब से एक्ट्रेस ने फैंस को ये गुड न्यूज सुनाई है, तभी से सभी उनके बेबी के इस दुनिया में आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस बीच कई बार वो सोशल मीडिया पर अपने बेबी बम के साथ नजर आ चुकी है। एक्ट्रेस अपने आने वाले बेबी को लेकर काफी एक्साइटेड है, जो कि लाजमी है। इसी बीच अब रुबीना ने सोशल मीडिया पर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल एक्ट्रेस ने बताया कि जब इन्हें पता चला कि ये जुड़वा बच्चों के पेरेंट्स बनने वाले हैं, तो अभिनव काफी शॉक्ड हो गए थे। ऐसा नहीं कि खुश नहीं थे, पर दोनों ने पूरे रास्ते गाड़ी में बात नहीं की। बस ये थोड़ी देर तक समझ नहीं पा रहे थे कि क्या ये सच में ऐसा है। डॉक्टर ने 3 महीने तक ये खुशखबरी किसी को भी शेयर करने से मना कर दिया था, पर 3 महीने के बाद जब स्कैन कराया गया तो दोनों को देखकर बहुत अच्छा लगा। अभिनव और रुबीना काफी खुश थे। दोनों वापस घर जा रहे थे, तभी कुछ ऐसा हुआ कि कपल की जिंदगी में एकदम से सब कुछ बदल सा गया, जैसे इनकी खुशी को किसी की नजर लग गई हो। दरअसल इनके कार का एक्सीडेंट हो गया था। पीछे से ट्रक आया और रुबीना का सिर सामने जाकर टकराया, पीठ काफी जोर से टकराया। आज भी वो सीन याद करने के बाद रुबीना काफी डर जाती हैं। वो समय दोनों के लिए बेहद बुरा था। फिर इन्होंने इमरजेंसी सोनोग्राफी करवाई ताकि पता चल सके कि ट्विंस बेबी ठीक है या नहीं, लेकिन थैंक गॉड सब ठीक थे। पर आज भी जब वो सीन सोचती हैं तो दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वो कहते हैं ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। इसका अर्थ है कि जिसके ऊपर भगवान का हाथ हो, भगवान का आशीर्वाद हो, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। वेल दैट्स इट फॉर नाउ। ऐसे ही और खबरों को देखने के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।